Canada snubs so-called Punjab 2020 referendum. Experts call it India's diplomatic victory. Honey test laboratory is launched at which place? शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस स्थान पर शुरू की गई है? गुजरात में. Union Agriculture Minister inaugurates the NDDBS honey testing laboratory, Gujarat. Shri Narendra Singh Tomar, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, established by the National Dairy Development Board NDDB in Anand, Gujarat, with support of NBB National B Board. Shri Narendra Singh Tomar, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा NBB National B Board के समर्थन से गुजरात के आनंद में स्थापित किया गया है. One Click Initiative सुफलम जल संचयन अभियान बिगेंस. गुजरात हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन. साइबर असिस्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट लॉन्च्ड इन गांधीनगर गुजरात. कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स फूड सेफ्टी. रिसेंटली इंडिया हैज साइंड करेंसी स्वैप फैसिलिटी विथ विच कंट्री. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुद्रा विनियम सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज एग्रीड टू $400 million $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका वैलिड टिल नवंबर 2022. This will help Sri Lanka to meet its short-term international liquidity requirements and to boost its foreign exchange reserve following the economic crisis resulting from COVID-19. भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने श्रीलंका के लिए $400 million अमेरिकी डॉलर का मुद्रा स्वैप सुविधा पर सहमति जताई है, जो नवंबर 2022 तक वैध है. इससे श्रीलंका को अपने अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने और COVID-19 के परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट के बाद अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. लिक्विडिटी बूस्ट. व्हाट इज करेंसी स्वैप? वन कंट्री एक्सचेंज इट्स नेशनल करेंसी फॉर दैट ऑफ अनदर और इवन और थर्ड वन. इंडिया जापान स्वैप. इंडिया कैन एक्वायर येन और डॉलर फ्रॉम जापान अप टू $75 billion इन एक्सचेंज फॉर रुपीज. द एक्सचेंज हैज़ टू बी रिजर्व्ड आफ्टर एन एग्रीड पीरियड. मालदीव सेलिब्रेट 55th इंडिपेंडेंस डे 26 जुलाई. रिसीव्ड इंडिपेंडेंस received independence in 1965 from UK fitness equipment high court fitness equipment SC Sanjay. India builds a 1 kilometer long world's first electrified rail tunnels that will connect Haryana to which state? भारत ने 1 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली विद्युत रेल सुरंग का निर्माण किया है, जो हरियाणा के किस राज्य को जोड़ेगा? हरियाणा से किस राज्य को जोड़ेगा? तो यूपी, उत्तर प्रदेश. वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल फिट टू द रन डबल स्टैक कंटेनर टू बी ऑपरेशनल इन 12 मंथ. इंडिया बिल्ड 1 किलोमीटर लॉन्ग वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड टनल डैट फिट्स डबल स्टैक कंटेनर इट कट थ्रू अरावली माउंटेन ऑन द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC नियर सोहना हरियाणा. भारत 1 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग बनाता है, जो डबल स्टैक कंटेनरों को फिट बैठता है. यह हरियाणा के सोहना के पास वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर अरावली पर्वत से होकर गुजरता है. 2500 to 500 million year old प्रोटेजोरोइक रॉक स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. वन एंड ऑफ द टनल इज एट रेवाड़ी हरियाणा, एट द अदर एंड इज एट दादरी उत्तर प्रदेश. एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट बाई 2021. 2500 से 500 मिलियन साल पुरानी प्रोटेजोरोइक चट्टानें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति एक सुरंग का एक सिरा हरियाणा के रेवाड़ी में है,
और दूसरा सिरा दादरी उत्तर प्रदेश में है। 2021 तक शुरू होने की उम्मीद है। इंडिया एक्सटेंड मेडिकल असिस्टेंट वर्थ अबाउट $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर टू विच कंट्री। भारत ने किस देश को लगभग $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? नॉर्थ कोरिया। इंडिया एक्सटेंड मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट $1 मिलियन $1 मिलियन टू नॉर्थ कोरिया अंडर WHO एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। भारत ने WHO को तपेदिक विरोधी कार्यक्रम के तहत उत्तर कोरिया को लगभग $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज अवार्डेड नॉर्थ कोरियन लीडर किंग जोंग उन अ कॉमरेटिव वॉर मेडल मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है। विच स्टेट विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हरियाणा। और हरियाणा के बारे में, पंचकुला टू होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेक्स्ट ईयर ह्यूज हॉनर ऑफ फॉर हरियाणा। ई सचिवालय पोर्टल जियो रिलायंस जियो टीवी प्लस हरियाणा गवर्नमेंट के साथ इसका टैग हुआ है। 75% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट कंपनी फॉर लोकल हरियाणा कैबिनेट अप्रूव्ड। समाधान से विकास टू रिकवर द एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस ड्यू। हरियाणा मंत्रिमंडल ने बाहरी विकास शुल्क बकाया वसूलने के लिए समाधान से विकास को मंजूरी दी है। लिस्ट ऑफ खेलो यूथ इंडिया का पहला एडिशन 2018 दिल्ली में हुआ था, दूसरा मुंबई महाराष्ट्र पुणे में हुआ था और थर्ड जो था वो गुजरात गुवाहाटी असम में हुआ है और चौथा हरियाणा में होगा पंचकुला में। एस्ट्रोज मिशन इज लॉन्च्ड इन। एस्ट्रोज मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नासा के द्वारा। एस्ट्रोज मिशन विल सेंड अ फुटबॉल स्टेडियम साइज्ड बैलून अप टू इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। द बैलून विल एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ इनविजिबल लाइट फ्रॉम द अर्थ। एस्ट्रोज मिशन समताप मंडल में एक फुटबॉल स्टेडियम आकार के गुब्बारे भेजेगा। गुब्बारे पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निरीक्षण करेगा। बैलून इज टू बी इन्फ्लेटेड विथ हीलियम। अनसॉल्व्ड पजल ऑफ जेंट स्टार एंड देयर फॉर्मेशन ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। विशाल सितारों का अनसुलझी पहेली और आकाश गंगाओं में उनके गठन। द कम्प्लीशन पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अंडर आवास योजना होम इज। आवास योजना गृह के तहत मकान निर्माण की अवधि कब अब कितने दिन में पूरी की जाएगी? 114। एवरेज कम्प्लीसन टाइम ऑफ PM आवास योजना ग्रामीण कम डाउन टू 114 डेज। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द कम्प्लीसन पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नाउ 114 डेज। अर्लियर 14 डेज में पहले होता था, अब 114 दिन में कंप्लीट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2060 एम टू बिल्ड 2.95 करोड़ हाउसेज एंड अचीविंग हाउसेज इन ऑल फॉर ऑल बाय 2022। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स राजेश भूषण अपॉइंटेड हेल्थ सेक्रेटरी। वरिष्ठ नौकरशाह राजेश भूषण बने स्वास्थ्य सचिव। इन न्यूज़ ऑन टिप्स, इंडिया रैंक्ड 3rd इन गेनिंग द फॉरेस्ट एरिया इन वर्ल्ड। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेस्ट्री लेड बाय इंडिया FAO। भारत दुनिया में वन क्षेत्र प्राप्त करने में तीसरा स्थान पर। भारत के नेतृत्व में वानिकी में वैश्विक रोजगार FAO। इंडिया रैंक्ड 3rd इन गेनिंग द फॉरेस्ट एरिया इन वर्ल्ड। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेस्ट्री लेड बाय इंडिया FAO। इंडिया रिपोर्टेड 0.38% एनुअल गेन इन फॉरेस्ट। फर्स्ट चाइना, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया, 3rd इंडिया, 4th चिली और 5th वियतनाम। अब तंजानिया के बारे में जान लेते हैं। तो तंजानिया के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कासिम माजलीवा बने हैं और वहाँ का कैपिटल है दादोमा और पैसा का नाम है तंजानिया सीलिंग। रिलायंस ओवरटेक द एग्जॉन टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड एनर्जी कंपनी वर्ल्ड नंबर टू एनर्जी कंपनी।
एग्जॉन मोबिल आफ्टर इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप रीच्ड ओवर 14 लाख करोड़, यानी कि 14.1 ट्रिलियन और 189.3 बिलियन डॉलर। अरामको टॉप्स द लिस्ट। एग्जॉन मोबिल हैज़ एन एम कैप ऑफ $184.7 बिलियन। बाजार पूंजीकरण एम कैप के बाद ऑक्सीनोम मोबिल 14 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 14.1 ट्रिलियन, यानी कि 189.3 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंच गया है। आरामको इस सूची में सबसे ऊपर है। एक्सॉन मोबिल के पास 184.7 अरब डॉलर की एम कैप है। द पेंडेमिक सेंचुरी, ये लिखे हैं मार्क हनिंगस बॉम के द्वारा लिखा गया है। द पेंडेमिक सेंचुरी। कैपिटल है इम्फाल। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो ये पढ़ रहे हैं हम आसाम के बारे में। कैपिटल है इम्फाल। सीएम है श्री नोंगथोम्बन बीरेन सिंह। गवर्नर है डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला। फॉर्मेशन है 21 जनवरी 1972। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में 60 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है। झील की बात करें तो लोकटक झील है। रिवर की बात करें तो बरक रिवर है। फेस्टिवल की बात करें तो योनसांग च्वांग कुर्त फेस्टिवल है। नेशनल पार्क कैबुल लाम जाओ नेशनल पार्क है। फोक डांस ढोल चोल फोक डांस है। मेटी ट्राइब्स इज द फेमस एथनिक ग्रुप इन मणिपुर। मणिपुर का मिथिक्स ट्राइब। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वहाँ के सीएम जो है श्री एंथोम्बन बीरेन सिंह है और कैपिटल गवर्नर नजमा हेप्तुल्ला। फोक डांस ढोल चोलम मैत्री ट्राइब इन द फेमस एथिक्स ग्रुप इन मणिपुर। मपल कांजंग बुंग इज इन इम्फाल इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पोलो ग्राउंड। विच पेमेंट सर्विस हैज ज्वाइंड हैंड विथ एक्को 2? ऑफिसर जनरल इंश्योरेंस फॉर 2 एज वेल एज 4 व्हीलर्स। किस भुगतान सेवा ने 2-4 पहियों वाहनों के लिए सामान्य बीमा की पेशकश करने के लिए एको के साथ हाथ मिलाया है? इसका आंसर आप दीजिएगा।